हिमाचल प्रदेश शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मस्त राम बडियाल ने हिमाचल सरकार के गठन पर बधाई दी है। बडियाल ने संघ की मांगों को पूरा करने के लिए नई सरकार से उम्मीदें जताई हैं। मस्त राम ने कहा कि जिला स्तर पर शारीरिक अध्यापक का पद नहीं है, जिसे सरकार जल्द पूरा करेगी। साथ ही शारीरिक शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए नई सरकार जल्द काम करेगी। बडियाल ने कहा कि नई सरकार से संघ जल्द मुलाकात करके समस्याओं को ध्यान में लाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सिंथेटिक ट्रैक हर जिला में होना चाहिए, ताकि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। बहुत ही खुशी हुई, संघ इसका बहुत बहुत स्वागत करता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता है संघ, और हमारी जो बहुत पहले से चली आ रही मांगे हैं उनको शायद हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे दिल से सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो हम टूर्नामेंट्स हैं, हम सारा जो फिजिकल सीनियर फिजिकल टीचर है वो पूरे टूर्नामेंट करवाता है जिला स्तर पर, लेकिन उसकी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। हमने बहुत मांग की पहले सरकारों से, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी हमारी इस मांग को बहुत ठीक तरीके से पूरा करेंगे। और भी हमारी सारी शिक्षक संघ की मांगे हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारे सारी शिक्षकों का कल्याण होगा और हमारे जो भी बच्चे हैं उनका कल्याण होगा, जो हमारे बच्चे नेशनल स्टेट जीत के आते हैं और उनको और भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। कहते हैं कि खेल स्टेडियम बने, जैसे ट्रैक है एथलेटिक ट्रैक है हमारा, तो एक ही दो ही ट्रैक हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, एक धर्मशाला में है एक हमीरपुर में है, तो बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन वो यदि सिंथेटिक ट्रैक पे तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सिंथेटिक ट्रैक जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा कर सकें।